नमस्कार, मैं सुशांत कुमार आप लोगों का भाई आपके सामने। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि दोस्तों जब हम 16 मीटर का रनिंग करते हैं तो क्या क्या चीज फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, उसी के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहूंगा, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ऐसा करने से हमको पता चलता है कि मेरा वीडियो आपको कितना पसंद है, तो आगे आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला टिप्स। दोस्तों जब एक अच्छे रनर हो तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। रात में आपको कम से कम 5 से 6 घंटा सोना बहुत ही जरूरी है। जब आप रात में अच्छी नींद लेते हो तो सुबह आपको थकान महसूस नहीं होता है, तो आपको बॉडी में एक जोश आता है, रिलैक्स महसूस होता है, तो रनिंग करने के लिए बहुत फ्री लगता है। तो रात में अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है, पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि जब आप रनिंग करते हो आप चाहे सुबह या शाम को रनिंग कर सकते हो। मेरा मानना है कि दोस्तों सुबह रनिंग करना बहुत ही अच्छा है, और जिन जिन लोगों का बॉडी का वेट ज्यादा है उन लोगों को दोपहर में धूप में रनिंग करना चाहिए, क्योंकि धूप में रनिंग करने से आपको बॉडी से ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलता है। पसीना निकलता तो क्या होता है, आपका बॉडी का जो वेट है बहुत जल्दी डिक्रीज होता है। तो जितना बॉडी का आपका वेट डिक्रीज होगा तो रनिंग उतना ही अच्छा होगा, उतना टाइम आप कवर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये कि जब आप रनिंग कर रहे हो तो आपके पास रनिंग शू एक होना चाहिए हल्का वाला, और आपके पास रनिंग शू नहीं है तो एक हल्का शू होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप शू पहन रहे हो रनिंग करने से पहले तो शू को बिल्कुल टाइट नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा लूज लग के अंदर से ढीला रख के जब एयर पास होना चाहिए उसके अंदर ऐसे बनना चाहिए। दोस्तों आप जब रनिंग कर रहे हो आपका ये जो जबड़ा है ये बिल्कुल टाइट नहीं करना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारा लड़का ऐसे होते हैं जो रनिंग करने टाइम जबड़े को टाइट करके रनिंग करते हैं, ऐसे करने से रनिंग बिल्कुल खराब हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, आप जब रनिंग करते हो तो आपका ये जो कंधा है वो बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, और दोनों हाथ जो है वो ब्लेड की तरह आगे पीछे तेजी से आगे पीछे करना चाहिए, ऐसे करने से आपका अच्छे टाइम कवर होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जब आप रनिंग करते हो तो सांस जो है वो नाक से लेना चाहिए और मुंह में छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब आप रनिंग करते हो तो 16 मीटर जब रनिंग आप स्टार्ट करते हो तो शुरू से बिल्कुल तेजी से नहीं भागना चाहिए, आपको शुरू से धीरे धीरे आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज करना चाहिए, और जो लास्ट का जो 200 मीटर होता है उसको बूस्टिंग मार के आपको बिल्कुल तेजी से आपको फिनिशिंग देना होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जब आप रनिंग शुरू करते हो तो शुरू से ही आप पंजे में रनिंग मत कीजिए, क्योंकि आप शुरू से पंजे में रनिंग करते शुरू कर देते हो तो थोड़ी दूर जाने के बाद आप थक जाते हो, और आगे आपको जो पीछे वाला जो जिनको आप क्रॉस करके आ गया तो वो लोग आपको छोड़ के आगे भाग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, शुरू से बिल्कुल धीरे धीरे फुल फ्लैट जमीन में लगना चाहिए, और धीरे धीरे आपका जो स्पीड है इंक्रीज करना चाहिए, और जो लास्ट का 200 मीटर है उसको पंजे में, जो पैर का अगला हिस्सा है जो अंगूठा है जो पंजे में बिल्कुल बूस्टिंग के साथ बिल्कुल फिनिशिंग मारना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जब आप रनिंग कर रहे हो आपको अगल बगल नहीं देखना चाहिए, आपका ध्यान सिर्फ ट्रैक पर होना चाहिए, रनिंग पर आपका ध्यान सिर्फ ट्रैक पर होना चाहिए, और आप जब रनिंग कर रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ मिनट पर होना चाहिए, ना कि किलोमीटर और मीटर पर होना चाहिए। आप एक मिनट में कितना मीटर कवर किया और नेक्स्ट कितना मिनट बचा है, तो नेक्स्ट मिनट में आप कितना कवर करना चाहिए, इसमें आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।